कैसे आप लोग? चलिए लोग आगे बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 32 और वर्ड्स पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है कि ए कैन डू हाफ ऑफ द वर्क इन 5 days। ए जो है वो आधा काम को 5 दिनों में पूरा करता है। बी कैन डू 3/5 ऑफ द वर्क इन 9 days। बी जो है उस काम के 3/5 भाग को 9 दिनों में पूरा करता है। सी कैन डू 2/3 ऑफ द वर्क। सी जो है वो 2/3 काम को, सी कैन डू 2/3 ऑफ द वर्क इन 8 days। सी उस काम के 2/3 भाग को 8 दिन में पूरा करता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा? ए कितना दिन बच्चों? 10 दिन। बी कितना दिन? 15 दिन। ऐसे कट गया, ए कितना हो गया? 3। और सी कितना दिन? 12। तो ए हो गया 10 दिन, बी हो गया 15 days, सी हो गया 12 days। ना आपका क्वेश्चन तो हमने सॉल्व करके ये बना दिया। अब पूरा काम कितना बच्चों? 60। एक दिन में कितना काम करेगा? 6। बी कितना काम करेगा? 4। और सी कितना काम करेगा? 5। जब तीनों मिलेंगे तो 60 काम, एक दिन में कितना काम? 15। कितना दिन लग जाएगा? 4। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 32। ये 32 नंबर क्वेश्चन था, समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है बच्चों कि ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक टू कंप्लीट प्रोजेक्ट इन 90 days एंड एम्प्लॉयड 60 men ऑन इट। एक ठेकेदार जो है वो 90 दिनों में किसी काम को पूरा करने के लिए 60 आदमी को लेकर आया। आफ्टर 60 days ही फाउंड दैट 3/4 ऑफ द वर्क हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। मतलब 4 में से 3 काम को कर लिए और एक काम बच गया। इस 3 काम को कितना आदमी किया? 60 आदमी किया। इस 3 काम को कितना आदमी किया? 3 काम को 60 आदमी किया। और कितने दिन में किया? 60 दिन में किया। अब सवाल बोलता है कि हाउ मेनी मेन कैन ही डिस्चार्ज सो दैट द प्रोजेक्ट मे बी कंप्लीटेड एग्जैक्टली और टाइम। अब देखिए अगर आपको पूरा काम करना है 90 दिन में तो 60 आदमी ने 60 दिन में 3/4 काम पूरा कर लिया। तो हम लोग आदमी निकालेंगे क्योंकि मेरा काम समय से पहले हो रहा है तो साइड टाइम में पूरा करने के लिए आदमी निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए जो रिमेनिंग 1 काम बच गया है इसको करने के लिए 60 x 1 आदमी आ गया और चूंकि पूरा दिन 90 है तो इनके लिए 30 दिन बच गए। अगर आप फॉर्मूला क्या यूज कर लेंगे बच्चों? फॉर्मूला यूज करेंगे W1/M1×D1=W2/M2×D। तो एग्जाम में सारा कुछ खराब होना चाहिए दिमाग में, एग्जाम में इतना कुछ दिमाग में कर लेंगे और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि भाई 3 काम को 60 आदमी 60 दिन में कर रहा है, कितना काम बच गया? 1। इस 1 काम को 60 x आदमी कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। अब ये कितना हो गया बच्चों? 20 हो गया। ये कितना हो गया? 2। 40 = 60 − x का मान कितना हो गया? 20। 20 आप लोग ठीक है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 भी सेम वही है कि पहले काम कौन कंप्लीट करेगा? बी जो है वो 1/4 काम करने में 10 दिन ले रहा है। इसके बाद क्यू जो है वो 40% बोलने का मतलब कितना? 2/5। 40% का मतलब कितना हो गया? 40/100, मतलब 2/5। क्यू जो है वो 40% में, मतलब 2/5 क्यू जो है उस काम को कितने में पूरा कर रहा है? वो कंप्लीट कर रहा है 15 days में बच्चों। नाउ आर कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 days। आर जो है वो 1/3 काम को पूरा कर रहा है 13 दिन में, 1/3 काम को पूरा कर रहा है 13 दिन में। S 1/6 ऑफ द वर्क इन 7 days। S जो है 1/6 काम को 7 दिन में पूरा कर रहा है।
इसका मतलब बी जो है वो कितने दिन पूरा करेगा काम को, 40। क्यू कितने में पूरा करेगा, 75/2। आर कितने में, 39 दिन। और एस कितने में, 42। बोल रहा है हु कैन फिनिश द वर्क फर्स्ट, पहले काम कौन पूरा कर रहा है, पहले काम पूरा कर रहा है। सो आवर आंसर विल बी ओके। मिटा दो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है बच्चों, हो गया 35 देखिए, बोलता है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। 35 ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिनों में पूरा करता है। बी एंड सी कैन फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क इन 120 डेज। A and C can finish the same piece of work in 90 days. बोलता है, when A, B and C work together, how much work is finished by them in 3 days? जब A, B और C काम करेंगे, तो वो 3 दिन में कितना काम का भाग पूरा कर पाएंगे? तो आप देखो, आपको पहले ये निकालना होगा कि A, B और C 3 दिन में कितना काम कर सकता है। वही A, B और C जब काम करेंगे, तो पूरा काम कितना हो जाएगा बच्चों? 360 हो जाएगा। अभी इसका वन डे वर्क 5, इसका वन डे वर्क कितना 3, इसका वन डे वर्क 4, 3 और 5। अब सबको जोड़ेंगे तो 2A+B+C कितना, 5, 3, 8, 4, 12। तो ए बी और सी का वन डे वर्क कितना हो जाएगा बताओ? 6। वन डे वर्क कितना हो जाएगा किसी का? 6। अब जब ए बी और सी का वन डे वर्क 6 हो जाएगा, 3 डेज में कितना काम कर लेंगे? 3 × 6 = 18 मिनट काम कर लेंगे, हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोलता है कि भाई 18 मिनट काम कर तो लेंगे, एक काम का कितना पार्ट पूरा हो रहा है? पूरा काम है कितना? 360 है। पूरा काम 360 है, इसमें हमने 3 दिन में कितना काम कर लिया? 18 काम कर लिया। 9 × 18 और 40, तो 1/20 कितना काम पूरा किया? 1/20। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38, ये बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है जो हम क्लास में डिस्कस करते भी हैं, तो इसको हम एक एक क्वेश्चन करा देते हैं, बाकी आप खुद से कर लेंगे। 36, 37 और 38 तीनों सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। जैसे क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है कि ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम। मतलब ए जो है हाफ काम बी के 3/4 भाग में पूरा करता है। ए डज हाफ ऑफ द वर्क इन 3/4 टाइम ऑफ बी। ए आधा काम बी के 3/4 काम में पूरा करता है। आपको सिखाया था बच्चों की जब भी एफिशिएंसी आ जाए तो आपको जो सबसे पहला ध्यान रखना है वो ये कि भाई ये रेशियो किसका है, ये रेशियो एफिशिएंसी का है या दिन का है, क्योंकि वो स्लाइट डिफरेंस आपके आंसर गलती हो जाएगा। पहले आपको जब भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन है तो आपको पहले इस बात को समझना है कि ये रेशियो फॉर्म करेंगे किसका आएगा, टाइम का आएगा या दिन का आएगा। Always ratio will be of time in this pattern. इसको ध्यान रखिएगा, ratio will be of time in this pattern. इस pattern में जब भी आपको ratio मिलेगा तो किसका मिलेगा? Time का मिलेगा, कभी दिन का ratio आपको नहीं मिलेगा। तो half a is equal to 3/4 time of b हो गया। अगर आप इसको काटते हैं तो a और b का दिन का ratio कितना हो गया? 3/2। दिन का रेशियो 3/2 हो गया तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 2:3। मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। और बीस दिन में कितना काम कर रहा है? 3। अब होता है कि टुगेदर दे टेक 18 डेज टू कंप्लीट अ वर्क। अगर वो मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, ये कितना काम कर रहा है? 2। अब बी कितना काम कर रहा है? 3। तो पूरा काम कितना हो गया? 5 काम 18 दिन में। पूरा काम कितना हो गया? 5 × 18। होता है हाउ मेनी डेज बी कैन फिनिश द वर्क। 20 काम के दिन पूरा करेगा तो 18 × 5 = 90। और 20 दिन में काम कितना कर रहा है? 3। कितना दिन? ये कितना काम कर रहा है? 2। भी कितना काम कर रहा है? 3। तो ये और भी कितना काम कर रही है? 5। 18 डेज में कितना काम कर रही है? 5 × 18। 20 काम करेगा तो कितना? 90/3 कितना? 30। क्लियर? बिल्कुल तीन क्वेश्चन 36, 37, 38 तीन इसी पैटर्न पे। इसका ध्यान क्या रखना है कि जो रेशियो आएगा किसका आएगा? हमेशा दिन का रेशियो है। गुड।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अच्छा क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है कि एडर्स, आपको हम सिखाया था बच्चों कि एक फॉर्मूला होता है कि डब्ल्यू वन बाई एम वन इंटू डी वन इंटू एच वन इंटू ई वन बराबर डब्ल्यू टू बाई एम टू इंटू डी टू इंटू एच टू इंटू ई टू। इस फॉर्मूला को यूज करते हैं तो सेम नेचर के होता है, जैसे मैन हो गया, वुमन हो गया, चिल्ड्रन हो गया, एक क्वेश्चन होता है। अगर तीनों एक साथ एक ही क्वेश्चन में आ जाएगा तो हम फॉर्मूला कैसे सेट करेंगे, तो डब्ल्यू वन बाई एम वन इंटू ई एम प्लस डब्ल्यू वन बाई ई डब्ल्यू प्लस सी वन इंटू ई सी इंटू डी वन इंटू एच वन बराबर डब्ल्यू टू बाई एम टू इंटू ई एम प्लस डब्ल्यू टू इंटू ई डब्ल्यू प्लस सी टू इंटू ई सी इंटू डी टू इंटू एच टू। मतलब आदमी को उसके एफिशिएंसी से आपको मल्टीप्लाई करना। जैसे बोलता है क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है कि अ 10 हेक्टेयर फील्ड इज, अ 10 हेक्टेयर फील्ड इज लिव्ड बाय टू मैन थ्री वुमेन एंड फोर चिल्ड्रेन टुगेदर इन 10 days, टुगेदर इन 10 days इफ द वर्किंग कैपेबिलिटीज ऑफ अ मैन अ वुमेन एंड अ चाइल्ड आर इन द रेशियो 5:4:2 then a 16 hectare field will be ripped by 6 men 4 women and 7 children in how many days? Then a 16 hectare field will be ripped by 6 men 4 women and 7 children in how many days? एक आदमी का एफिशिएंसी कितना हो गया 5, औरत कितना हो गया 4 और बच्चा कितना हो गया, क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 12, 20 और 10 कितना 30 × 10 ये कितना हो गया 16 हो गया 6, 5, 30 हो गया 16 और 14 कितना हो गया 16 और 14 कितना हो गया 30 तो कितना हो गया 60 × 3 अब ये गया और ये गया। दिन कितना हो गया 14। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 40 बोलता है, ठीक है, इसको समझ गया आप लोग। 40 बोलता है कि ए इज 50% एज एफिशिएंट एज बी, मतलब ए की कार्य करने की क्षमता 50% as efficient as B. A की कार्य करने की क्षमता B की आधी है। अगर B अगर दो काम कर रहा है कितना काम करेगा, एक काम। सर बोलता है कि C does half of the work done by A and B together. मतलब A जो है वो B से आधा काम कर रहा है। सर बोलता है कि C does half of the work done by A and B together. मतलब जितना काम A और B मिलकर करते हैं उसका आधा काम कौन करता है, सी। ये हम सेट करेंगे मतलब बराबर है, जितना काम ए और बी करते हैं उसका आधा काम कौन करता है, सी। तो ए और बी का आधा करना है तो क्यों ना ऐसा वैल्यू ले इसका आधा करने में आसानी हो जाए। तो हम मेरे अनुसार ए को 2 मान लो और बी को कितना मान लो 4, ए को 2 मान लो बी को कितना मान लो 4। ए और बी कितना काम कर रहा है 6 काम कर रहा है, बोलो ए और बी कितना काम कर रहा है 6 और इसका आधा काम कौन कर रहा है, सी। सी कितना काम कर लिया, सेट करो। सी डस हाफ ऑफ द वर्क डन बाई ए एंड बी, तो 6 का था कितना हो गया 3, तो 1 और 2 जोड़े तो 3 का था क्या 2 हो जाता, फिर फालतू का लेन देन हो जाता, जितना क्या मान ली 2 और 4 6 हो गया, 6 का था कितना हो गया 3, गुड। अब बताए सी डस द वर्क इन 20 days, अगर सी किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, इसका मतलब क्या बच्चों कि ए बी सी का ए कितना काम कर रहा है 2, बी कितना काम कर रहा है 4, सी कितना काम कर रहा है 3, तो इनका एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा 2, 4 और 3। अब क्वेश्चन में बोलता है भाई कि सी जो है वो किसी काम को पूरा करने में 20 दिन ले रहा है, तो सी एक दिन में कितना काम करता है 3, तो वो सी जो है वो पूरा काम कितना किया होगा 20 × 3 मतलब 60 का,
जब तीनों मिलकर इस काम को करेंगे ए बी और सी, तो मतलब 60 काम तो 4, 3, 7 और 9 मतलब 20/3, 6, 2/3 डेज में काम जाके कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना 40। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। बिठाए सोचो, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है कि ए कैन डू अ वर्क इन 9 डेज, बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी, देन हाउ मेनी डेज कैन बी डू द वर्क सेम पीस ऑफ वर्क। मतलब बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए, मतलब अगर एफिशिएंसी का बात कर रहे हैं, अगर ए 2 काम करेगा तो बी कितना काम करेगा, 3, क्योंकि बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए। मतलब ए 2 काम कर रहा है, 2 का 50 कितना हो गया 1, 2 प्लस ए कितना हो गया 3। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन बोलता है कि ए कैन डू अ वर्क इन 9 डेज, ए किसी काम को 9 दिन में पूरा कर रहा है। देखो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, तो ए जो है वो 9 दिन में कितना काम कर लेगा, 9 × 2 कितना काम कर लेगा 18। अब क्वेश्चन बोलता है इन हाउ मेनी डेज बी कैन फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क अलोन, बी उस काम को अकेले कितना दिन में पूरा करेगा। तो बी को 18 काम करना है, बी एक दिन में काम करता कितना है 3, कितना दिन ले लेगा 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब मुझे समझ बन जाएगा। और ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं, प्री से लेके मेंस तक हर जगह ऐसा क्वेश्चन आता है। प्रिंट टू पैरामाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, 42 नंबर देखेंगे ध्यान से। Gales बोलता है कि A is 30% more efficient than B and B can do a work in 23 days. Same pattern पे question, ठीक है? Next question number 43 देखेंगे। बिल्कुल इस तरह हमने 41 किया, 43 भी कर सकते हैं। 42, 43 क्या बोलता है कि 5 men and 2 women working together can do 4 times as much work per hour as a man and a woman together. मतलब 5 आदमी और 2 औरत मिलकर प्रति घंटे एक आदमी और एक औरत का 4 गुना काम करते हैं। इसका मतलब कि अगर 4 से गुना कर दें तो इनका वर्क क्या हो जाएगा, बराबर 5 आदमी + 2 औरत = 4 आदमी + 4 औरत। एक आदमी 2 औरत, तो एक आदमी भाई औरत कितना हो जाएगा 2:2, तो आदमी और औरत का रेशियो कितना हो गया 2:1। द वर्क डन बाय 1 मैन एंड 1 वुमेन कितना हो जाएगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 45, सब सेम पैटर्न पर। आइए बच्चों, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 बना हुआ है, और हम 45 और 44 आपको मैं आगे दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है कि ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 12 डेज, बी 60% मोर एफिशिएंट देन ए। मतलब बी जो है वो ए से 60% ज्यादा एफिशिएंट है। मतलब अगर ए अगर 100 काम करता है तो बी जो है वो 160 काम करेगा। इनका रेशियो कितना हो जाएगा 5:8। ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा 5:8, तो दिन का रेशियो कितना हो जाएगा 8:5। ऐसे हमको दिन के रेशियो से कोई काम नहीं, सिर्फ मेरा काम किससे होगा एफिशिएंसी से काम हो जाएगा। एफिशिएंसी कितना होगा 5:8, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है 5 और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 8। अब क्वेश्चन बोलता है कि ए अलोन कैन डू द वर्क इन 12 डेज, ए अकेले इस काम को 12 दिन में कर सकता है। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 5 काम कर रहा है, 12 दिन में कितना काम करेगा 12×5=60, मतलब टोटल वर्क कितना हो गया 60। अब क्वेश्चन नंबर 44 बोला कि 60 काम को, इस 60 काम को बी कितना दिन में करेगा, तो बी एक दिन में काम कितना कर रहा है, बी एक दिन में काम कर रहा है 8, तो इस 60 काम को करने में 60/8 मतलब कितना 15/2 7.5 दिन। और बिल्कुल सेम क्वेश्चन कौन सा 45 बोल रहा है, 45 में बोल रहा है बच्चों कि ए और बी मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन में, लेकिन वहां यहाँ पूछा बी, वहां पूछा ए और बी, तो सिंपल बना देते हैं। पूरा काम कितना हो गया 60 हो गया, और ए कितना काम कर रहा है 5 और बी कितना काम कर रहा है 8। ए कितना काम कर रहा है 5, बी कितना कर रहा है 8, 8×5 कितना हो गया 13।
मतलब 60/13 दिन में कौन कर लेगा, ए और बी मिलकर इस काम को कंप्लीट कर लेगा। यहाँ पूछा बी का, बी इस 60 काम को कितने दिन में पूरा करेगा, और यहाँ पूछा पूछ दिया ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। हमको लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 45 हो गया, 46 देखते हैं बच्चों। 46 में बोलता है कि बी जो है वो ए और सी से तीन गुना काम कर रहा है, तीन गुना दिन में काम कर रहा है, और सी जो है वो ए और बी से दुगुना दिन में काम कर रहा है। आपको हम बार बार सिखाए हुए हैं जो भी रिलेशन निकालेंगे वो एफिशिएंसी में निकालेंगे, दिन में नहीं निकालेंगे। ये रेशियो कितना हो गया, 1:3, ये 1:2। अब बी बाई ए प्लस सी 1/3 है, और सी बाई ए प्लस बी कितना है 1/2, सारा काम एफिशिएंसी में होगा। अब आपको हम सिखाए थे कि हमको दिन निकालना है, किसका निकालना है बच्चों, ए का। अब या तो अगर आपको बी का निकालना होता है या सी का निकालना होता है डायरेक्ट निकाल लेते हैं, लेकिन आपको ए का अगर निकालना है तो जो मेथड में पढ़े उससे क्या, पहले बी निकलेगा फिर सी निकलेगा तब ए निकलेगा, बोलो। और डायरेक्ट ए का निकालना है तो हमको इनके एफिशिएंसी का रेशियो निकालना होगा, और आपको हम सिखाए थे कि इस तरह के रेशियो को कैसे मिलाया जाता है। ये आपको अरिथमेटिक में और आगे भी आएगा, कई बार ये आपको अलजेब्रा में डायरेक्ट मिल जाएगा, कई बार आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा। आपको हम सिखाया था कि ये बी है, ये ए है और ये सी है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और ए बी सी है, ए बी है, इनको भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी ए प्लस बी प्लस सी, ए बी ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, सेम। अगर सम को सेम कर देंगे तो मेरा रेशियो यहीं से बन जाएगा। कैसे भाई, ये 1 है और ये 3 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो गया 4, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो गया 3। तो 4 और 3 बराबर किस पे होगा, 12 पे होगा। बड़ा बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, और बड़ा बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई कर दिए 4 से। तो 3 को इसमें की 3 को इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, 4 को इसमें की 4 को इसमें भी करेंगे, 4 को इसमें भी करेंगे। आप देख सकते हैं a प्लस b प्लस c 9 3 12, a प्लस b प्लस c 8 4 12, सम सेम हो चुका है। जैसे ही सम सेम होगा ये मान किसका हो गया b का, ये मान किसका हो गया c का, ये मान हो गया b का और ये मान हो गया c का। अब जब आपके पास b का मान 3 है और a प्लस b का मान 8 है तो a का मान कितना हो गया 5। जब आप यहाँ पुट करते हैं a प्लस c का मान कितना है 9 और c का मान कितना है 4, तो a का मान कितना हो जाएगा बच्चों 5। अब यहाँ से हमने a b और c का एफिशिएंसी निकाल दिया, a कितना आ गया 5, b कितना हो गया 3 और c कितना हो गया 4। अब पूरा काम कितना हो गया, तो 5 3 8 8 4 12, 10 दिन में कितना काम हो गया 12 × 10 120 काम हो गया। अब 120 काम को एक करेगा, एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, 120 बटा 5 कितना दिन 24 days, फाइन बेटा इसको। तो लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है बच्चों कि ए वॉल ऑफ 100 मीटर कैन बी बिल्ट बाई 7 मैन और 10 वुमेन इन 10 days, हाउ मेनी डेज विल 14 मैन एंड 20 वुमेन टेक टू बिल्ड अ वॉल ऑफ 600 मीटर। मतलब 100 मीटर लंबे दीवार को 7 आदमी या 10 औरत 10 दिन में पूरा कर सकते है ना, मतलब 7 आदमी या 10 औरत 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 100 मीटर ऊंचे दीवार को 7 आदमी या 10 औरत मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब उसके बाद बोलता है भाई कि भाई 600 मीटर ऊंचे दीवार को, 600 मीटर ऊंचे दीवार को 600 मीटर ऊंचे दीवार को 14 आदमी और 20 औरत मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। कितने दिनों में पूरा करेंगे, आप ऐसे इक्वेट कर सकते हैं कि भाई 100, आप ऐसे इक्वेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं भाई, आप बोल सकते हैं कि 100 मीटर ऊंचे दीवार को 7 आदमी या 10 औरत, तो 100 मीटर हो गया। अब आपका मन है जो भी लिखने का लिख लीजिए, ये मीटर हो गया, आपका जो भी मन लिखने का लिख लीजिए, या तो आप ले लीजिए 7 आदमी को ले लीजिए या तो आप ले लीजिए 10 औरत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भाई, तो 100 मीटर ऊंची दीवार को 7 आदमी या 10 औरत मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं।
या तो आप ले लें किसको, सात आदमी को, या तो आप किसको ले लें, 10 औरत को, तो औरत को ले लेते 10 औरत, कितना दिन, कितना दिन, 10 दिन। अब आपको यहाँ पे मैन और वुमेन का एफिशिएंसी पुट करना पड़ेगा कि आदमी का एफिशिएंसी कितना है और औरत का एफिशिएंसी कितना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 आदमी जो है वो 10 औरत के बराबर है, तो 7 और 10 का एलसीएम कितना हो गया, 70, 70, ये 10 हो गया और ये कितना हो गया, इसका मतलब एक आदमी और एक औरत का एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया, 10:7, इसका एफिशिएंसी हो गया एक आदमी और एक औरत। तो बस अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में इनका एफिशिएंसी पुट करना और सवाल को बनाना है। 600 हो गया 14 आदमी, तो एक आदमी कितना काम, 10, एक औरत कितना काम, 7 × 3 बराबर 100 भाई, एक औरत कितना काम, 7, गुना कितना, 10। वैसे ही सॉल्व करेंगे कितना कितना हो गया, 6, 140 कितना हो गया, 280 गुना डी, ये 700 गुना कितना हो गया, 6, क्लियर, कितना हो गया 700 गुना 6। और जैसे ही इसको काटेंगे 0 से 0 गया, 7 से काट देंगे 10 हो गया, ये कितना हो गया, 4, ये 2 हो गया और ये कितना हो गया, 3, और ये कितना हो गया, 5, दिन कितना हो गया, गुना गया। बस 600 मीटर ऊंचा दीवार था, 14 आदमी 20 औरत मिलकर बना रहे थे कुछ दिन में, 100 मीटर ऊंचे दीवार को या तो आप 7 आदमी रखते हैं या 10 औरत 10 दिन में पूरा कर रहे। बस आपको यहाँ पे करना क्या था, इससे मैन और वुमेन का एफिशिएंसी निकाल के यहाँ पुट करना, सवाल आपका बन गया। और ये आया कैसे, याद करिए फॉर्मूला सिखाया कॉपी में, W1/M1 × D1 बराबर W2/M2 × D2, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इसको। अब अगर आपको समझने में परेशानी है तो आप पहले फिर से सवाल पढ़िए, फिर से वीडियो को देखिए, फिर सवाल पढ़िए, फिर वीडियो को देखिए, तो 3 बार में सब क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। गुड, नेक्स्ट 48। होता है कि 1 man 3 women and 4 boys, तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन रिवर करते रहे यहाँ पे, तो बहुत लोगों को मान ये समझने में दिक्कत होता है सवाल। एक आदमी 3 औरत और 4 बॉय मिलकर किसी काम को 96 घंटे में पूरा करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा ध्यान से, 2 आदमी 8 बॉय 80 घंटा, तुम डायरेक्ट लिख रहे हैं, एक इतना तो कर ही सकते हैं, 1 आदमी 4 बॉय 160 घंटा, उधर 2 आदमी 8 बॉय 80 घंटा, तो हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, 1 आदमी 4 बॉय, 2 से भागा 2 से गुना 160 घंटा। और क्या बोलता है फिर, और बोलता है फिर कि 2 आदमी और 3 औरत 120 घंटा पूरा काम, 480, यहाँ कितना, 5, यहाँ कितना, 3, यहाँ कितना, 4। आपको निकालना है नंबर ऑफ डेज जब इस पूरे काम को कितना आदमी, 5 आदमी और 12 लड़का मिलकर कंप्लीट करेगा। तो बस आपको इस सवाल को बनाने के लिए क्या चाहिए बच्चों, आपको इस सवाल को बनाने के लिए बस 1 आदमी और 1 बॉय का 1 दिन का काम है। जैसे हमें निकाल लेंगे मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, 1 आदमी और 1 बॉय का 1 दिन का काम, वो कैसे निकलेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 आदमी 4 बॉय कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, तो 1 आदमी 4 बॉय 3 काम कर रहा है, 1 आदमी 4 बॉय 3 काम कर रहा है, और 1 आदमी 3 औरत 4 बॉय 5 काम कर रहा है। दिन को लेकर कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते, ना प्लस कर सकते हैं, ना माइनस कर सकते, सारा काम किसमें करेंगे, वर्क पे करेंगे। तो 1 आदमी 3 औरत 4 बॉय कितना काम कर रहा है, 5, 1 आदमी 4 बॉय कितना काम कर रहा है, 3, तो 3 औरत कितना काम कर रहा है, कभी, तो जब 3 औरत 2 काम करेगी बच्चों, तो 1 औरत कितना काम करेगी, 2/3 हो गया। अब 2 आदमी और 3 औरत कितना काम कर रहे हैं, 4, 1 औरत कितना काम करती है, 1, हो गया। उसके बाद 1 आदमी 4 बॉय कितना काम करते हैं, 3, 1 आदमी कितना काम,
तो चार बॉय कितना काम, दो, एक बॉय कितना काम, वन बॉय। और बच्चे अगर सिलेक्शन लेना है तो ये सारे बातों को दिमाग में फटाफट करना होगा, तो मैं समझाने के लिए कहा है। आप फटाफट बोलेंगे एक आदमी तीन औरत चार बॉय पांच काम, एक आदमी चार बॉय तीन काम, ये तीन काम हो गया, दो काम हो गया, तीन औरत दो काम, तो एक औरत दो बाई तीन काम, दो बाई तीन, दो बाई तीन कट गया, दो बच गया, तो एक आदमी एक काम, एक आदमी एक काम तो घट गया, तो एक बॉय कितना काम, हाफ काम, तुरंत हो जाएगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप करोगे तुरंत हो जाएगा प्रैक्टिस। देखो आप उसको अभी तीन चार बार देख लो, फिर आराम देखो कितना फास्ट हो जाएगा। अब आपको बताना है कि पूरे काम को, पूरा काम कितना हो गया 480, पांच आदमी तो एक आदमी एक काम, 12 बच्चे तो 12 गुना एक बटा दो कितना 6, 480 बटा कितना घंटा 11 घंटा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसको आप वैसे भी लिख सकते हैं 43 7 बाय 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, नंबर क्वेश्चन बोलता है बच्चों कि ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क बाय 92 मेन इन 92 मेन एंड एम्प्लॉयड 110 मेन। मतलब ठेकेदार ने सोचा कि वो 110 आदमी को लेकर किसी काम को 92 दिन में पूरा कर लेगा। आफ्टर 48 डेज ही फाउंड दैट ही हैड ऑलरेडी डन 3/5 ऑफ द वर्क। मतलब तीन काम कर चुका है कितना आदमी, 110 आदमी कितना दिन में, कितने दिन में 48 दिन। अब कितना काम बच गया पूरा, दो, क्योंकि पूरा काम पांच है, पांच में तीन काम कर चुके हैं, कितना काम बच गया दो। अब होता है कि इस दो काम को करने के लिए निर्धारित समय पर करने के लिए, तो निर्धारित समय पर करेंगे तो पूरा दिन 92, 48 दिन काम कर लिए तो कितना काम बच गया 44। ठीक है ना। अब 44 काम 40 दिन में काम कंप्लीट करना है, और अगर 110 आदमी को लेके चलेंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा जल्दी, तो आदमी को बाहर निकालना पड़ेगा। मान लेते 10 आदमी को बाहर निकाल दी, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 22, ये हो गया 16, और 22 बचे 110, तो x इज इक्वल टू 110 माइनस 80 कितना, मतलब 30 लोगों को बाहर निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 50, 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है बच्चों कि अ मैन अंडरटेक्स टू डू अ जॉब इन 150 डेज, ही एम्प्लॉयड 200 मेन, ही फाइंड्स दैट ओनली अ क्वार्टर ऑफ द वर्क इज, सेम क्वेश्चन है 49 का, 50 का, 51 यूसी पैटर्न का क्वेश्चन है, बनाएंगे आप लोग, बन जाएगा आराम से। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, मतलब 49, 50 और 51 सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इधर हमने प्रैक्टिस के लिए आपको दिया है इतना सारा क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन इसका हमने पहले भी कर लिया है ना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये पैटर्न का क्वेश्चन, परीक्षा में अक्सर आप देखेंगे हमेशा आपको इस पैटर्न पे सवाल एग्जाम में दिखेगा, हमेशा, चाहे आप नी में बैठिए, मे से बैठिए, एडीसी में बैठिए, एमटी से बैठिए, हर एग्जाम में आता है बिना किसी भेदभाव। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, 52 बोलता है कि ए एंड बी अंडरटूक टू डू अ जॉब फॉर रुपीज 4500, ए और बी किसी काम को 4500 में करने के लिए सोचा, ए अकेले उस काम को 8 दिन में कर सकता है, बी अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता है, ए अकेले उस काम को 8 दिन में कर सकता है, बी अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता है, विद द असिस्टेंट ऑफ सी दे फिनिश द वर्क इन 4 डेज, और सी के सहायता से वो उस काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। पूरा काम कितना होता है 24, ए कितना 3, बी कितना 2 और ए कितना 6, ए 3, बी 2 और सी कितना 1। अब आगे बोलता है द शेयर ऑफ द शेयर द सी शेयर ऑफ द मनी, मतलब इस मनी में सी का शेयर कितना हो,
तो वर्क के अकॉर्डिंग भी बांटेंगे, ए तीन काम कर रहा है, बी दो काम कर रहा है, सी एक काम कर रहा है, तो छह में एक शेयर किसका हो गया, सी का हो गया। तो सी का शेयर छह में एक है तो पूरा पैसा कितना है 4500। 4500 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500, ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 750। तो सी का शेयर कितना हो गया 750। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 बोलता है कि 6 persons working 8 hours a day earn rupees 8400। ये वही वाला क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा वेजेस वाला, जो आपको सिखाया था कि जितना वेजेस ऊपर रहेगा, तो 8400 रुपया है वो 6 लोग को कितना घंटा काम करके मिलता है, ये 6 लोग को रोजाना 8 घंटे काम करके मिलता है। आपको निकालना है कि 9 लोग को रोज 6 घंटे काम करके कितना पैसा वेजेस बाई M1 इंटू D1 वेजेस 2 बाई M2 इंटू 6 से 6 गया, 8 से काटेंगे तो 1050। तो कितना वेजेस हो गया 9450, है ना। बस ये ध्यान देना है कि जिस अनुपात में काम करेंगे पैसा बिल्कुल उसी अनुपात में आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 बोलता है बच्चों, A alone can do a piece of work in 6 days, B alone in 8 days, A and B undertook to do it for rupees 3200, with the help of C they completed the work in 3 days, how much is to be paid to C? बस भाई सेम सवाल है कि भाई 6 है, 8 है और 3 दिन है, तो उस तरह भी C का निकाल लेंगे और डिवाइड कर देंगे पैसे को, ये सब हम लोगों ने किया अभी। क्वेश्चन नंबर 54, A 6 दिन, बी 8 दिन और ए बी सी कितना दिन 3 दिन। फिर उसी प्रकार आपको सी का निकालना है तो पूरा काम कितना हो गया 24, 4, 3, 8, इसका एक हो गया तो 1/8 गुना कितना 3200, कितना हो गया सी का शेयर 400। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 55 आप देख सकते हैं, 400 हो गया दिक्कत। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 55 आप देख सकते हैं, 55 क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि ए एंड बी कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज, तो ए का शेयर बताना है, मतलब ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है। वैसे भी कर सकते हैं कि ये रेशियो किसका हो गया दिन का, एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 2:3। मतलब अगर आपको ए का शेयर निकालना है तो आप बोल सकते हैं कि ए को 5 में 2 रुपए ए को मिलेगा, तो पूरा कितना हो गया 30,000 रुपया हो गया, कितना हो गया 6,000, मतलब कितना 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 बोलता है कि ए अ मैन एंड अ बॉय रिसीव्ड रुपीस 800 एज वेजेस फॉर 5 डेज फॉर द वर्क दे डिड टुगेदर, द मैनस एफिशिएंसी इन द वर्क वाज 3 टाइम्स दैट ऑफ द बॉय, व्हाट आर द डेली वेजेस ऑफ द बॉय। मतलब एक आदमी और एक बॉय को कि 56 नंबर, एक आदमी और एक बॉय को 800 रुपया मिलता है 5 दिन काम करने के लिए, तो 800 रुपया मिलता है 5 दिन काम करने के लिए, तो एक दिन काम करने कितना मिला इनको 160। एक आदमी और एक बॉय को 800 रुपया मिलता है 5 दिन काम करने के लिए, तो इनको मिलता है 800 रुपया 5 दिन काम करने के लिए, तो एक दिन काम करने कितना मिलेगा 160। अब उसके बाद बोलता है बच्चों कि द मैन एफिशिएंसी इज इन द वर्क वॉज 3 टाइम्स दैट ऑफ द बॉय, मतलब मैन का जो एफिशिएंसी वो बॉय का कितना है 3 टाइम्स, 3:1, मतलब उसको 3 मिलेगा तो उसको कितना मिल जाएगा 1। अब बता व्हाट इज द डेली वेजेस ऑफ बॉय, बॉय का डेली वेज कितना है, 4 पे कितना मिल रहा है बॉय को 1 मिल रहा है, पूरा मिल कितना रहा है 160, तो कितना दे 40 रुपया किसका हो गया बॉय का वेजेस। जिस तरह हम लोगों ने देखा कुछ क्वेश्चंस वेजेस का जो हमने आपको सिखाया था क्लास में, जब भी आपको वेजेस का बात करना हो तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि हम जिस अनुपात में काम करेंगे उनको पैसा बिल्कुल उसी अनुपात में मिलेगा, न ज्यादा न कम। तो आपको जब भी किसी के लिए जो पैसा बांटना होगा सिर्फ और सिर्फ आप क्या देखेंगे, उनके काम करने का रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो, वर्क का रेशियो, और उसी अनुपात में अगर पैसे को बांटेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 हो गया, 56 हो गया, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 57 बोलता है कि द डेली वेज लेबरर वाज एंगेज्ड फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज फॉर रुपीज 5750 बट बीइंग एब्सेंट ऑन सम ऑफ डेज ही वाज पेड ओनली रुपीज 5000 व्हाट वाज हिज पॉसिबल डेली वेज होता है कि भाई 5750 रुपया है कुछ दिनों के लिए लेकिन कुछ काम करने के कुछ दिन काम नहीं करने के कारण से मिला कितना 5000 5750 और 5000 इसका मैक्सिमम डेली वेज क्या होगा मतलब हमको कुछ दिन काम मेरा जो वेजेस के 5750 हमने कुछ दिन काम नहीं किया कितना मिल गया 5000 तो बताइए पॉसिबल मैक्सिमम वेजेस कितना होगा तो ये काइंड ऑफ एससीएफ का क्वेश्चन हो गया क्योंकि वो पॉसिबल वो हाईएस्ट क्योंकि ये हमको काम करने का मिल रहा है काम करने का मिल रहा है इसका मतलब कि जो डेली वेजेज है उसको ये भी डिवाइड वो इसको भी डिवाइड करेगा इसको भी डिवाइड करेगा तो हाईएस्ट क्या होगा जो एससीएफ होगा और एससीएफ निकालने का बेस्ट शॉर्टकट मेथड क्या होता है ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 750 ये डिवाइड करेगा इनको नहीं इसका अगला फैक्टर क्या होगा 500 डिवाइड करेगा नहीं अगला फैक्टर क्या हो जाएगा 250 ये क्या हो गया एससीएफ क्या निकाल लेंगे इसको भी क्या निकाल लेंगे एससीएफ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 58 क्वेश्चन बोलता है बच्चों कि ए बी एंड सी कंप्लीट अ वर्क कॉस्टिंग रुपीज 1800 ए वर्क फॉर 6 डेज बी वर्क फॉर 4 डेज एंड सी फॉर 9 डेज इफ द डेली वेजेस आर इन द रेशियो 5-6-4 हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय ए मतलब ए बी और सी ए ने कितना दिन काम किया ए ने काम किया 6 दिन बी ने काम किया 4 दिन और सी ने काम किया कितना दिन बच्चों 9 दिन काम किया और ए क्या ए को कितना मिल रहा है 5 बी कितना मिल रहा है 6 सी कितना मिल रहा है 4 ठीक है मतलब इसको मिला 30 इसको मिला 24 इसको मिला 36 तो वर्क ए बी और सी क्या रेशियो हो जाएगा 30 24 36 मतलब 5 4 और आपको निकालना किसका है बच्चों आपको निकालना है किसका आपको निकालना है ए का ए कितना हो जाएगा 5/15 होना कितना 1800 मतलब 1/3 और कितना 600 ओके देख सकते हैं आप आज मैंने पूरे 11 घंटा क्लास लिया है मेरे 11 घंटे क्लास लेने के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ मेरा हाथ लाल हो रहा है फिर भी मैं आपके लिए इतना स्ट्रेस लगा रहा हूँ ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए मैथ में वीक है तो स्ट्रॉन्ग हो पाए पूरा ताकत आप भी लगा हम भी लगा रहे और दोनों दोनों एफर्ट लगाएंगे तो आप में एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा है ना बच्चों चल ओके 58 हो गया आगे देखते हैं 75 मतलब अगर वो लेबर काम करने के लिए जाता है उसको पर दिन कितना मिलता है 75 रुपया और एबसेंट होने पे कितना मिलता है 15 रुपया फाइन लग जाता है मतलब अगर आप जॉब पे जाओगे तो आपको 75 रुपया मिलेगा नहीं जाओगे तो 15 रुपया लेस हो जाएगा एबसेंट फी घट जाएगा बोलता है कि आफ्टर 20 डेज द कॉन्ट्रैक्टर पेड द लेबरर रुपीज 1140 तो 20 दिन के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने लेबर को कितना दिया 1140 तो मान लो कि वो x दिन गया तो कितना दिन नहीं गया 20 माइनस x बोलो मान लो x दिन जॉब पे गया तो कितना दिन नहीं गया 20 माइनस x दिन नहीं गया और जिस दिन गया उसको कितना मिला 75 रुपया मिला जिस दिन नहीं गया कितना कट गया माइनस जिस दिन गया उसको कितना मिल गया 75 और जिस दिन नहीं गया उसका कितना कट गया माइनस 15 और फुल मिला के उसका लेबर कितना हो गया 1140 इसका 75x माइनस 300 प्लस 15x बराबर 1140 75 15 कितना
90 और 1 4 4, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा काटो 16, मतलब प्रेजेंट कितना दिन रहे 16 दिन रहे, एब्सेंट कितना दिन रहे 4 दिन रहे, क्योंकि 20 माइनस एक्स 20 माइनस 16 कितना हो गया 4 दिन। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोलता है भाई। क्वेश्चन नंबर 60 पहले बार वीडियो देख लें चल रहा है कि बिल्कुल ओके डन है। क्वेश्चन नंबर 60 बोलता है कि इफ देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इन द रेशियो 15:11, मतलब पहले मेरे पास 15 एम्प्लॉय थे, अब कितने हो गए 11, मतलब ये समझ अभी हम बोलते हैं कि इंक्रीज इन द रेशियो 2:5, मतलब पहले 2 थे 5 हो गए, डिग्री इन द रेशियो 7:9, मतलब पहले कितने थे, यानी डिग्री इन द रेशियो 9:7, मतलब पहले कितने थे 9, अब कितने हो गए 7। तो जो 15 थे अब कितने हो गए 11, और पहले इनको मिलता था 22 रुपए, अब कितना मिल रहा है 25, मतलब पहले 15 लोग थे उनको 22 मिल रहा था, 11 लोग उनको कितना मिल रहा है 25, तो इनको अब इतना इतना हो गया, कट गया 2 हो गया, एक कट गया कितना हो गया 3 और ये 5, मतलब पहले अगर मेरा खर्चा हो रहा 6 से, अब कितना खर्चा हो रहा है 5, इंक्रीज की डिक्रीज, तो डिक्रीज होगा, बोलिए पहले 6 रुपया खर्च कर रहे तो 5 खर्च कर रहे तो डिक्रीज ना होगा, इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 60 हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ।